करनाल के रेलवे रोड स्थित चर्च में क्रिसमस पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया और मोमबत्तियां जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। चर्च के फादर ने बताया कि इस बार कोरोना काल के चलते ये कार्यक्रम थोड़ा डिस्टेंस रखकर किया गया है और भीड़ भी कम इकट्ठे होने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोग इस महामारी से भी बच सके। इसलिए चर्च की ओर से मोमबत्ती जलाने के लिए चर्च के बाहर ही व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि करनाल की चर्च कई दशक पुरानी है। विश्व में दूर दूर से आकर ईसाई समाज के लोग प्रार्थना करते हैं और मोमबत्ती जलाकर यीशु मसीह से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। बता दें कि ईसा मसीह को बड़ी संख्या में लोग याद करते हैं और उनकी दी गई कुर्बानी पर मोमबत्ती जलाकर शहादत को याद किया जाता है। जैसे कि पीछे कोरोना काल चला हुआ है, फंक्शन सभी बंद थे, धार्मिक प्रोग्राम, आपके यहाँ चर्च में यह कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह की सुरक्षा बरती जा रही है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, इनके बारे में बताइए। जी शुक्रिया आपके इस इंटरव्यू के लिए जो आप आए हैं। आप मुझसे काफ़ी दूर हैं इसलिए मैंने अपना मास्क अभी नीचे कर लिया है। अदरवाइज हमारे चर्च में मास्क जो है वो बहुत नेसेसरी है। हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जो दिखा दीजिए आप प्लीज़। मिस्टर ललन प्रसाद मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये मास्क लगा रखा है। तो क्रिसमस की हमारे फिलहाल इस समय ज़्यादा कोई तैयारी नहीं है कोरोना काल की वजह से। हम लोगों को त्यौहार से पहले एक दूसरे की सुरक्षा का ज़्यादा ख्याल है। पिछले साल हमने बहुत बढ़ चढ़ करके अपने चर्च में बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, यहाँ तक मेला भी रखा था, लेकिन इस बार सिर्फ हमें सुबह की जो आराधना होती है, प्रार्थना सभा होती है, वो सुबह 10 बजे से हुई थी और 1-1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो है हमने इसको क्लोज किया है। जो हमारे श्रद्धालु जो लोग आते थे वो अंदर चर्च में पहले एंट्री करते थे और चर्च के अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन कोरोना काल की वजह से हम नहीं चाहते कि चर्च में इस प्रकार से भगदड़ सी हो जाए हर साल की तरह और किसी को कोरोना हो, तो हमने उस चीज़ को बाहर कर दिया है कि आप बाहर से ही चर्च का दर्शन देख के कर सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं। और अंदर ग्राउंड के अंदर कोई भी अपनी ऐसे स्टॉल दुकान नहीं लगाई है जिससे कि भीड़ जमा हो, क्योंकि हमें अपने त्यौहार से पहले हर एक इंसान की जो है वो जिंदगी का और उनके स्वास्थ्य का ख्याल है। हम जिंदा होंगे, आप जिंदा होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, अगले साल हम और बहुत अच्छे से क्रिसमस और मना पाएंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.